ये है रैपर सीट, और अभी इसको हम अपने कटिंग मशीन से कटिंग करेंगे और ये विकास बाबू आपको कटिंग करके दिखाएंगे। हाँ दोस्तों, इतना मैं जब कागज़ बनता है बहुत ही बड़ा बड़ा बनता है, इसे इस साइड में ये स्टिकर्स होते हैं, ये सारी कुछ चीज़ें कैसे कटिंग करके सेट की जाती हैं, एक जैसे कॉपी हो गई, किताबें हो गई, सब कटिंग की जाती है। और ये कटिंग द्वारा ये बचा हुआ मटेरियल जो है ये भी किसी वेस्टेज के काम आता है। ये हमारी मशीन होती है, ये हैंडल है आगे पीछे बढ़ाने के लिए, और ये हैंडल होता है ऊपर से दबाव लगाने के लिए, और ये है बिना लाइट से इसे तेज़ी से प्रेस करके और इस हैंडल को खींच देते हैं तभी कटिंग हो जाती है। अभी हम आपको ये शादी ब्याह पार्टियों में जो स्टिकर सीट जो लगती है इसे कट करके दिखाएंगे, इस पर जो लड़का लड़की का नाम छपा जाता है वो दिखाएंगे, वो कैसे कटिंग करती है। अब इस रैपर सीट को हमने बीच से मोड़ लेंगे, इसे मोड़ के और फिर बीच का जो अब सीट ये हमने मोड़ ली है, सभी सीटों को सेंटर में कर लेंगे। ये हैंडल जो है हैंडल प्रेस करेंगे तो ये सीट जो है आगे पीछे हो जाएगी अपने आप। इससे जो है दबाव लगता है, ये दबाव लग गया, अब बस इससे कटिंग हो जाएगी। अब ये हैंडल को तेजी से प्रेस करके और ये हैंडल हटाएंगे, देखिए अब देखिए हमारी सीट जो है एक बार में कट चुकी है कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ। अब इसे हम डबल करके रखेंगे इस पर, अब इसे बीच लगा, जब डबल भाग काट के लगा लिया अब ये 1/4 हो जाएगा, इसे बीच में से और काट देंगे एक बार। वैसे ही यहाँ पे साइड कर लिया है, ये हैंडल की मदद से आगे पीछे करना होता है, इस वाले हैंडल से दबाव लगता है, ऊपर ये बैठ गया है। अब इससे दोस्तों ये सीट जो है 12 रुपये की करीबन आती है एक, और इसमें 8 पीस निकलते हैं, और मार्केट में इसे छपाई के सहित 5 से 6 रुपये या 7 रुपये तक छापते हैं कस्टमर के। इसमें लड़का लड़की और का नाम लिखा जाता है और इसे बस रेफर सीट बोलते हैं। अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे तब ये जाके साइज अपना बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं कटिंग मशीन। वैसे काटने के लिए हाथ से भी काट सकते हैं लेकिन हाथ से उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, और जहाँ जो लोग ऑफसेट का यूज करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे जो 7-5 वाले कार्ड हैं, 13वीं कार्ड, विजिटिंग कार्ड, वो भी कटते हैं, और कोई पोस्टर छापने के लिए कागज़ भी काटने के काम ये मशीन आती है। इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी होती है हाथ और पैर की, इससे लाइट की मशीन होती है उसमें खतरा रहता है, इसमें कोई खतरा नहीं। जो लोग शादी कार्ड और स्क्रीन पेंटिंग का काम करते हैं उन लोगों के लिए इस चीज़ की जानकारी होगी, अगर नहीं होगी तो ज़रूर जानकारी रखें। ये सेकेंड हैंड मशीन करीब 90,000 रुपये तक की, 1 लाख और या 90,000 रुपये तक की आती है। और ये हमारी रैपर सीट कट के तैयार हो चुकी।
ये पूरी मशीन है दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं, बस यहाँ ये दुकान में लगी हुई है, यहाँ सिर्फ इन चीज़ों का कटिंग का ही काम रहता है और बाकी सामान और पड़ा रहता है। ये कागज़ है ये भी कटा जाता है इससे, ये कागज़ है ये भी कटा जाता है। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं और स्क्रीन प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक छोटी मोटी नॉलेज थी कि मशीन अगर लगा लें तो कैसे कटिंग करें या कटिंग करवाएं। जो कटा हुआ मटेरियल लाते हैं वो थोड़ा महंगा पड़ता है, और जो अपने हाथ से कट कर लेते हैं वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। उस बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में इससे कटिंग होती है। ये जो है इस मशीन के ऑपरेटर हैं और इन्होंने ही ये इस सीट की जो है कटिंग की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए हमारा हिंदी चैनल अनुज आर्ट कलान। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा शेयर सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।